जिस तरह से दोगले चीन ने भारत के वीर जवानों के साथ क्रूरता दिखाई और उन निहत्थे जवानों को लोहे की रॉड और कटीले तारों से मारा, उसके बाद से भारत का गुस्सा चीन के खिलाफ सातवें आसमान पर है और भारत लगातार चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पहले चीनी ऐप्स को देश में बैन किया गया, अब तक भारत में 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन किया जा चुका है। उसके बाद चीन के साथ किए गए कई कॉन्ट्रैक्ट्स को भी भारत में रद्द कर दिया गया। अब भारत चीन के खिलाफ अपना अगला कदम उठाने जा रहा है। भारत सरकार जल्द ही ड्रैगन को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। अब भारत की नज़र उन संस्थानों पर है जिनमें भारत में चीन के प्रचार प्रसार का शक है। ऐसे 7 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का रिव्यू आने वाले हफ्तों में किया जाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज कोलकाता, भारतीय विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। इन सभी यूनिवर्सिटीज के साथ साथ आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, जेएनयू, बीएचयू आदि ने भी चीनी कंपनियों के साथ अलग अलग तरह के एमओयू साइन किए हुए हैं। साइन किए गए करीब 54 एमओयूज का रिव्यू किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने इन संस्थानों के साथ मिलकर अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों के लोकल चैप्टर खोल लिए हैं। कन्फ्यूशियस संस्थानों से यहाँ मतलब है ऐसे संस्थान जिनका काम चीन का प्रोपेगेंडा भारत में फैलाना है। दरअसल कन्फ्यूशियस संस्थान सीधे तौर पर चीनी सरकार के शिक्षा मंत्रालय से फंड प्राप्त करते हैं। इनका काम ही होता है चीनी भाषा और कल्चर को बढ़ावा देना। पिछले लंबे वक्त से दुनिया भर में कन्फ्यूशियस संस्थान निशाने पर हैं। अब भारत में भी इनकी जांच होगी। पिछले साल सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ की ऐसी संस्थाओं की जांच की थी। दुनिया भर की ऐसी कई यूनिवर्सिटीज ने ऐसे कई कोर्सेज बंद कर दिए हैं जिनका संबंध कन्फ्यूशियस संस्थानों से था। भारत में यह ऐलान तब हुआ है जब भारत और चीन के बीच में गतिरोध चरम पर है। देखना दिलचस्प होगा कि चीन को बढ़ावा देने वाली इन यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कब चलेगा भारत सरकार का कार्रवाई का डंडा।